poem is Don't Tell. So, are there some things that grown-ups don't let you do? Read about what this child feels. Okay, ऐसे बहुत सी चीजें होती है. देर आर सो मेनी थिंग्स विच ग्रोनअप्स मीन्स अवर पेरेंट्स और अवर एल्डर्स दे डोंट अलाउ. सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओके, जिनको देर आर सम थिंग्स अवर ओल्ड वन ओके और अवर ग्रोन अप पीपल दे डोंट अलाउ अस टू दैट थिंग. सो कैन यू टेल मी एनी वन थिंग विच योर पेरेंट्स डोंट अलाउ यू टू डू दैट थिंग. कोई भी ऐसी चीज बताओ कि जो आपके पेरेंट्स आपको करने से मना करते हैं. ओके, मोबाइल, देन एनी अदर थिंग. देखना टीवी, देखना वीडियो टीवी देखना. गेम, ओके ओके वीडियो गेम नहीं खेल। सो लिसन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स विच यू वांट टू डू. ऐसी चीजें जो आपको करने की इच्छा होती है लेकिन आपके पेरेंट्स आपको वो अलाउ नहीं करते कि नहीं, आप अभी छोटे हो इसलिए आप अभी नहीं कर सकते. यू आर स्मॉल नाउ ओके, सो यू कैन नॉट डू दिस थिंग. ओके, सपोज यू आर इन किचन, सपोज यू आर इन किचन एंड यू वॉन्ट टू हेल्प योर मदर. ओके, सो विद आई सेड टेक अ नाइफ. समटाइम्स यू वॉन्ट दैट नाइफ एंड यू वॉन्ट टू कट सम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बट योर पेरेंट्स डोंट अलाउ यू टू टेक अ नाइफ, इज इट? सो जस्ट लाइक दैट हियर इन दिस पोयम देर इज वन बॉय एंड ही इज गोइंग टू टेल अस समथिंग. सो लेट सी वॉट ही इज गोइंग टू टेल अस. सो ही सेड देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वोंट लेट मी डू. ही सेड देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वोंट लेट मी डू. आई एम नॉट बिग इनफ एट दिस थिंग. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ओके, अभी आवाज आ रही होगी सबको. आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा आप अपना माइक बंद रखिए तभी मेरी आवाज आएगी. बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही तो प्रॉब्लम हो सकता है. सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वोंट लेट मी डू. आई एम नॉट बिग इनफ एट दिस से. ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि जो वो मुझे करने नहीं देते. दे सेड दैट यू आर नॉट बिग इनफ एट और नॉट बिग इनफ, मतलब आप अभी इतने ग्रोन अप नहीं हुए हो कि जो आप अभी ये चीजें कर सकें. सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप एंड आई विल शो देम ऑल वन डे. सो व्हाट दिस बॉय सेड, ओके दे आर नॉट अलाउ मी टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स. So I am waiting for the day when I will be grown up and then I will show them what I can do. वो कहता है कि चलो ठीक है, अभी तो ये मुझे करने नहीं दे रहे हैं लेकिन एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं इनको बताऊंगा कि हाँ मैं ये कर सकता था. आई कुड शो देम नाउ वॉट इज सेड बट I could show them now also if they gave me the chance. What he said, the things which they don't allow me, I could show them now also. मतलब वो अभी छोटा है लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं उनको अभी भी ये करके दिखा सकता हूँ.
इफ दे गिव मी द चांस, इफ दे गिव मी वन चांस देन आई विल शो देम दैट आई कैन डू। सो देर आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राइड। ही सेड देर आर सो मेनी थिंग्स विच आई कैन डू इफ आई ट्राई टू डू दैट थिंग, बट नोबडी नोज, नोबडी नोज दैट आई एम रियली अ जायंट इन साइड। ही सेड आई एम लुकिंग वेरी स्मॉल बट नोबडी नोज दैट आई एम वेरी जायंट इन साइड। मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ। ही सेड मैं बाहर से भले ही आपको छोटा दिख रहा हूँ, आई एम लुकिंग स्मॉल फ्रॉम द आउटसाइड बट फ्रॉम द इनसाइड आई एम रियली अ जायंट। मैं बहुत बड़ा हूँ। सो दिस इज आवर पोएम। ओके, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोएम इज दिस। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। सी, देर इज वन बॉय, देर इज वन बॉय, ही सेड दैट देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वोंट लेट मी डू, आई एम नॉट बिग इनफ एट, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मुझे वो करने नहीं देते। सो ही इज टॉकिंग अबाउट हिज पेरेंट्स। ओके, दे वोंट लेट मी डू, दैट मीन्स दिस दे इज यूज फॉर हिज पेरेंट्स और ग्रोन अप पीपल। ओके, ये जो दे यूज किया गया है, कौन इसको करने नहीं देते? उसके पेरेंट्स और जो बड़े लोग हैं उसके फैमिली में, वो उसे वो चीज़ें करने नहीं देते। सो ही सेड आई विल वेट, आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप। मैं जब पूरा बड़ा हो जाऊँगा तब तक मैं वेट करूँगा, एंड आफ्टर ऑल ग्रोन अप आई विल शो देम वन डे, एक दिन मैं इन सबको दिखा दूंगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। देन ही सेड आई कुड शो देम नाउ ऑल्सो, मैं उनको अभी भी दिखा सकता हूँ अगर वो मुझे चांस दे। इफ दे गिव मी द चांस देन आई विल शो देम वॉट आई कैन डू। सो ही सेड देर आर द थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राइड, अगर मैं ट्राई करूँगा, प्रयास करूँगा तो जरूर मैं वो कर सकता हूँ। बट नो बडी नोज दैट आई एम रियली अ जायंट इन साइड। वो कह रहा है कि इन लोगों को पता नहीं है कि अभी मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ, शक्तिशाली हूँ। ओके, सो दिस इज द पोयम। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस पोयम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पोयम देन यू कैन कमेंट इन चैट बॉक्स, अदरवाइज जस्ट ओके, वेरी गुड। सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पोएम। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज द स्पीकर, हाउ ओल्ड इज द स्पीकर। स्पीकर मीन्स दैट बॉय। ओके, छोटा सा जो बॉय है, हाउ ओल्ड इज द स्पीकर? 8 8 8 8. ओके, 8, सम आर सेइंग 8। ही इज जस्ट लाइक यू, 8। ओके, ही इज अ चाइल्ड। ओके, सो यू कैन राइट 8 9, और यू कैन जस्ट राइट चाइल्ड, द स्पीकर इज द चाइल्ड। ओके, और यू कैन राइट योर ओन एज, आपकी खुद की एज भी आंसर में लिख सकते हैं। ओके, नाउ देन क्वेश्चन नंबर 2, हु आर दे एंड देम इन द पोयम, जस्ट वी डिस्कस, हु आर दे एंड देम इन द पोयम। Who are they in the poem?
चाइल्ड Who are they? Yes, parents and all grown up parents and grown up people. Okay, they and them are in the poem are parents and the grown up people. ओके, दे एंड देम किन के लिए यूज किया गया है? पेरेंट्स एंड ग्रोन अप पीपल, जो बड़े लोग हैं उनके लिए. व्हाट इज द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग? व्हाट इज द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग? ओके, दिस चाइल्ड इज हाइडिंग वन सीक्रेट एंड ही टॉक्स अबाउट हिज सीक्रेट इन द लास्ट ऑफ द पोयम. Yes, very good. His secret is that he is really a giant from inside. This secret he is hiding from others. The child is giant from inside. This is secret. Okay. Now, this talk time. Think of three things that they won't let you do. What are the things you would like to do when you are grown up that you can't do now? Okay, तो इन दोनों के आंसर्स आप अपने नोटबुक के अंदर लिखेंगे. Any three things they won't let you do. That means your parents don't allow you to do. Then second question is, what are the things you will like to do when you are grown up that you can't do now? कुछ ऐसी चीजें आपको लिखनी है कि जो अभी आप नहीं कर सकते लेकिन बड़े होने के बाद आपको उनको करना है. ओके, सो बोथ आंसर्स यू विल राइट इन योर नोटबुक. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग सेक्शन. ओके, सो विद फॉर दिस यू नीड पेंसिल विथ यू. सभी लोग कंप्लीट करते रहेंगे इसको अभी के अभी. जस्ट लाइक फर्स्ट, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक थ्री वर्ड्स. ओके, जस्ट लाइक हियर वी हैव वन वर्ड दैट इज ब्लैक बोर्ड. सो फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड वर्ड वी मेक थ्री वर्ड्स लाइक ब्लैक then board, then back. So like this we are going to write here three words from these particular words. Just like first word we have mother. Okay, from mother we need to make three words. It was there and the. Okay, so we can make the word other, then her. Okay, any one word? Other, her. There, the, there. Okay, the motor. Okay, so three words you will write here. Now next word is vegetables. From vegetable. Table. Table. Okay. Veg. 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 Okay. Cauliflower. It's better if you comment in chat box, then it will be very good. Okay. Gate. Table. Veg. Okay. So this words you can write here. Then thousand. Thousand. Okay, sand. And any other word?
साउंड, वेरी गुड, यू कैन मेक वर्ड साउंड ऑल्सो. ओके देन लास्ट वर्ड हेलीकॉप्टर. फ्रॉम द वर्ड हेलीकॉप्टर पेट, पीटी पेट, ओके, पीओटी पॉट, देन सीओटी कॉप, वेरी गुड, नाइस. सो कैप यू कैन मेक सो मेनी वर्ड्स, सो दिस ऑल वर्ड्स यू विल राइट हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोयम. डोंट, आई एम, आई विल. ओके, हियर आर देयर फुल फॉर्म्स. इन और पोयम गुड मॉर्निंग वी ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस शॉर्ट फॉर्म्स एंड फुल फॉर्म्स. ओके, जो पहली जो हमारी पोयम थी गुड मॉर्निंग, उसी में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी. फुल फॉर्म ऑफ डोंट इज डू नॉट, फुल फॉर्म ऑफ आई एम इज आई एम, एंड फुल फॉर्म ऑफ आई विल बी आई विल. ओके, सो लेट्स सी सम अदर फुल फॉर्म्स. नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. नाउ यू विल कमेंट योर आंसर. द फर्स्ट इज कांट, फुल फॉर्म ऑफ कांट. यस, वेरी गुड. फुल फॉर्म ऑफ कांट इज कैन नॉट. ओके, नाइस. देन नेक्स्ट इट्स, फुल फॉर्म ऑफ इट्स वेरी गुड, इट इज, नाइस. इट इज, ओके. नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इजंट, फुल फॉर्म ऑफ इजंट फुल फॉर्म ऑफ इजंट इज नॉट. ओके, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट व्हाट्स, फुल फॉर्म ऑफ व्हाट्स वॉट इज, वेरी गुड. एंड द लास्ट वन, दैट्स, फुल फॉर्म ऑफ दैट्स दैट यस, दैट इज. ओके, नाउ इन नंबर टू, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग. ओके, नाउ यू टेल मी फर्स्ट सेंटेंस फ्रॉम दिस वर्ड यूजिंग हिज. मेक एनी वन सेंटेंस. Using his, you need to make one sentence. इस वर्ड का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है. ही इज गोइंग टू स्कूल. ओके, सो देन यू कैन से ही इज माई ब्रदर, ही इज वेरी गुड. ओके, देन नेक्स्ट वन, शी इज, यूज शॉर्ट फॉर्म. ओके, यूज शॉर्ट फॉर्म्स
इज गोइंग. ओके, शी इज नॉट रनिंग. ओके, शी इज अ नाइस गर्ल. ओके, देन नेक्स्ट वन, यू आर. यूज शॉर्ट फॉर्म्स. आप जो टाइप कर रहे हैं ना, उसमें भी शी इज अलग नहीं लिखना, आपको ऐसे ही लिखना है, शी अपोस्ट्रॉफी एस. नाउ मेक सेंटेंस फ्रॉम यू आर. यू आर नाइस गर्ल. ओके, यू आर वेरी गुड. ओके, सो लास्ट वन, वी आर योर फैमिली. वी आर फ्रेंड्स. वेरी गुड. यूजिंग वी आर. Use we are. Okay, so we are friends, we are going to the market. Very good. So instead of we are, we can use this one, we are. This is also same, this is short form of we are. Okay, now next question. Now write about two things you will do when you grow up. You can begin like this. When I grow up, I will. भी आपको यहाँ पर लिखना है कि आप बड़े होकर क्या क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको थ्री सेंटेंसेस यहाँ पर लिखना है. वेन आई ग्रो अप, आई विल गो टू, जो भी आपको ऐसा लगता है कि बड़े होकर जो भी आपको करना है, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है. ओके, दैट ऑल थिंग्स यू विल राइट हियर, वॉट एवर यू. Suppose when I grow up, I will drive my car. When I grow up, I will go to any other place. Whenever you want to go, जहाँ पर भी आपको जाना है, कोई ड्रीम प्लेस आपका होगा कि हाँ मुझे बड़े होकर जाना है. ओके, सो दीज थिंग्स यू कैन राइट हियर. नाउ द लास्ट वन, दिस इज क्लास वर्ड चार्ट, बट दिस वी कैनॉट डू इन ऑनलाइन क्लास. बट द लास्ट वन, चूज एंड टेक द वर्ड विद अ ज साउंड. ओके, दिस वी कैन डू. सो यू कैन टेल मी द वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद और विच हैज ज साउंड. ओके, नाउ फर्स्ट वर्ड वी हैव जनवरी. सो हियर वी कैन सी जे इज देयर, जनवरी. देन एनी अदर वर्ड, जैकेट. ओके, सो जून. ओके, सो हियर आपको क्या करना है, हियर यू ओनली टेक द वर्ड्स विद जे साउंड. सो दिस यू कैन इजीली डू, जस्ट लाइक हियर जेम,
देन जैम, जुलाई, जून, देन जायंट, जैकेट, देन जिराफ। ओके, सो दीज वर्ड्स यू कैन टेक। सो दिस ऑल द एक्सरसाइज इन वर्ड बिल्डिंग सेशन यू विल कंप्लीट इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, टेक्स्ट बुक के अंदर इसको पूरा कंप्लीट कर लेना आप। आई थिंक यू ऑल हैव